हेलो दोस्तों, मैं राखी चौहान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही तो जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज हम जानेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि संविधान की प्रस्तावना में किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे जो प्रस्तावना है वो एक इंट्रोडक्शन है, एक विषय सूची है जो हमारा संविधान है उनमें किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। हम कह सकते हैं कि प्रीव्यू है संविधान को जानने के लिए। हम अगर प्रस्तावना को समझते हैं तो उसको संविधान को समझने में काफी हेल्प हो जाती है। तो जो संविधान, जैसे कि हमने जाना था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा उद्देशिका का प्रस्ताव लेके आया गया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समय। तो जिस दिन हमारे संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस दिन जो उद्देशिका प्रस्ताव था उसको लिखित रूप में, प्रस्तावना के रूप में हमारे जो संविधान है उसमें शामिल कर लिया गया था। तो दोस्तों, एक एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये प्रस्तावना का प्रस्ताव है कि हमारे संविधान की एक प्रस्तावना होगी, एक प्रीव्यू होगा संविधान का, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और इसके साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो संविधान की प्रस्तावना की भाषा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब बात करते हैं कि जो हमारे संविधान है इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका जनरली हमको आइडिया नहीं आता है कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संप्रभु क्या होता है। संप्रभु मतलब होता है इंडिपेंडेंट, किसी भी चीज को लेके आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने के लिए जो हमारा देश है वो क्या है, स्वतंत्र है, किसी के दबाव में आके वो निर्णय नहीं लेगा। अब बात करते हैं समाजवादी। समाजवाद मतलब कि हर कोई क्या है, हर किसी के साथ समानता का व्यवहार होगा, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं धर्मनिरपेक्ष की। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है कि सारे धर्म समान होंगे, सारे धर्म समान। देखिए दोस्तों, हमारा जो देश है इतनी विभिन्नताएं यहाँ है, इतने सारे धर्म यहाँ है, तो किसी भी एक धर्म को क्या नहीं दिया गया है, ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, सारे धर्मों को समानता की बात कही गई है। अब बात अगर पंथ निरपेक्ष की हम बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि जो राज्य है, जो देश है हमारा, उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा और वो किसी एक धर्म के लिए झुकाव या फिर उसकी तरफ बढ़ावा, उसको बढ़ाने या प्रोत्साहन करने का काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र का से तात्पर्य है कि जनता का शासन, कि जनता का शासन और जनता के द्वारा शासन। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो चुन करके लोकसभा में जाते हैं और वो सारे देश की शासन का संचालन करते हैं कि क्या क्या चीजें लागू करनी है। तो दोस्तों, ये सारे जो प्रतिनिधि हैं तो कहीं ना कहीं पे वो जन किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारा। तो जनता का शासन जहां पे होता है तो उसे बोला जाता है कि लोकतंत्र उधर पे है। अगर हम यहीं पे गणतंत्र की बात करते हैं तो गणतंत्र में भी जो राज्य का प्रमुख शासक होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन परोक्ष रूप से, मीन्स कि हम उसके लिए डायरेक्ट क्या नहीं करते, वोट नहीं करते, मतदान नहीं करते, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हम इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों न्याय के बारे में। न्याय जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर दिया गया है। सामाजिक आधार पर अगर हम बात करें तो सारे जो लोग हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक आधार पर जो लोग समान कार्य, दो लोग अगर एक काम को कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक तौर पर हर किसी व्यक्ति को अपना मतदान करने का या फिर अपना मत रखने का अधिकार होगा। ये न्याय का प्रावधान है, ये लिया गया है रूस की क्रांति जो कि 1917 में हुई थी उससे प्रेरित होके। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि जितने भी हम भारत के लोग हैं हम अपने किसी भी काम को करने के लिए किसी के दबाव में नहीं है, कि हम अपने स्वयं का निर्णय क्या ले सकते हैं, खुद ले सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समता की। समता से तात्पर्य है कि हर किसी व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाए। अब बात करेंगे हम बंधुता की, फेटर्निटी की। इट मीन्स कि जो भाईचारा है, हर किसी को क्या करना है, साथ लेके चलना है। अब बात आती है अखंडता की। अखंडता से तात्पर्य है एकता और अखंडता। अखंडता से तात्पर्य है कि हमारा जो देश है उसको एकता के सूत्र में बांधे रखना। दोस्तों, जो हमारी प्रस्तावना है इसे काफी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि जो हमारी प्रस्तावना है इसमें प्रथम बार, अंतिम बार कब संशोधन किया गया था, या फिर अभी तक संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने बार संशोधन किया जा चुका है। तो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 1942वां संविधान संशोधन 1976 था, जिसके तहत संविधान में तीन शब्द, समाजवाद,
धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टे ट्यून, धन्यवाद।